नमस्कार, मैं नवीन देवघर महाविद्यालय देवघर में समाजशास्त्र का प्राध्यापक इंटरमीडिएट सेक्शन। कई बार हमने पढ़ाया है आपको, दो यूनिट क्लियर हो चुका है, तो आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना एमसीक्यूज आपको पढ़ाया जाए, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपके एग्जामिनेशन, ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में भी 10 या 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराता जाऊँ। और एक चीज़ बात अहम है कि मैंने सोचा है कि शनिवार को गूगल मीट, आप लोग गूगल मीट डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, और शनिवार को 10 से 11 तक जो मैं पढ़ाऊँगा वो डायरेक्ट गूगल मीट में कनेक्टेड होकर पढ़ाऊँगा, आपसे रूबरू होऊँगा डायरेक्ट, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ आप जुड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपका अटेंडेंस भी मैं बनाने का प्रयास करूंगा, और फिर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे आपके, मैं उस पर भी नंबर आपको इसी बेसिस पर दूंगा कि आप लोग मेरे से कनेक्ट थे, ठीक है। तो आज मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ। पहला है कि निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है, मतलब भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का आधार क्या है, ये आधार पूछ रहा है। तो आधार क्या है, धर्म है, कर्म है, जाति व्यवस्था है, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है लिखा हुआ भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, इसका आधार क्या है, तो धर्म, कर्म और जाति व्यवस्था, ये भारतीय संस्कृति की है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और इसके बाद है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पार्टी उस समय नहीं बना, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस एक लार्ज लेवल पर बना, गठन हुआ इसलिए कि इसमें सारे लोग मिलकर एक कांग्रेस मतलब एक संगठन का रूप लेगा और देश की आज़ादी एवं देश की व्यवस्था के लिए प्रयत्न करेगा, तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम। उसके बाद है नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक, ये जो है ये पुस्तक का नाम है, नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन, ये पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक के नाम को ई बार्कर ने लिखा था, ये आपको याद करना। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक आपके एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ने क्या किया कि इसका स्थापना किया एक सोसाइटी का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का, ठीक है, ओके। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, कल आपके लिए फिर एक वीडियो लाऊंगा, और परसों शनिवार को मैं गूगल मीट पर मिलूंगा, इसलिए गूगल मीट आप लोग डाउनलोड कर लें, है ना, डाउनलोड करके उसके बाद मैं लिंक भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद, लाइक करें।